Hello everyone and welcome to ITLS Academy, Empower the Youth. Today's lecture is based on the topic of clinical nursing, that is diabetes. So in this lecture, we will going to cover what is diabetes, what are the symptoms of diabetes, different types of diabetes, what are the treatment that are used to cure diabetes, and what are the exercises that a person should adopt while he or she is having diabetes. And we will also see what WHO says about diabetes. So let's get started with the topic and let's see what is diabetes. So the definition of diabetes says diabetes is a disease that occurs when your blood glucose, also called blood sugar, is too high. Blood glucose is your main source of energy and comes from the food you eat. Insulin, a hormone made by pancreas, helps glucose from food to get into your cell to be used for energy. Sometimes your body doesn't make enough or any insulin or doesn't use insulin well. Glucose then stay in your blood and does not reach your cells. So what is diabetes? So diabetes एक तरीके की disease है. ये कब occur होती है? कि जब आपका जो blood glucose है, also called as blood sugar, जब वो आपकी body में बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उस case में जो person है is diagnosed with diabetes. आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है ये एक तरीके की क्रोनिक डिजीज़ है. क्रोनिक डिजीज़ है. ये कब अकर होती है? या तो व्हेन ईदर द पेनक्रियाज, जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, या फिर जो आपकी बॉडी है वो जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट इंसुलिन है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है. तो इन दोनों केसेस में आपको डायबिटीज़ हो सकती है. मतलब कि ये क्रोनिक डिजीज़ है, ये कब अकर होती है, या जो आपके पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए, या आपके बॉडी में जो प्रेजेंट इंसुलिन है उसको अच्छी तरीके से बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है. अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि हमारा क्या करता है, मेड बाय पेनक्रियास, जो पेनक्रियास बनाते हैं. और दूसरी बात क्या है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को, जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज है उसको ये रेगुलेट करता है. तो व्हाट इज इंसुलिन? सो इंसुलिन इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हार्मोन जो कि प्रोड्यूस करता है बाय पेनक्रियास को, और ये हेल्प क्या करता है, ग्लूकोज जो हम फूड लेते हैं. ऑब्वियसली हमें पता है कि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. ठीक है. और ये जो ग्लूकोज है फ्रॉम द फूड दैट वी गेट, ठीक है, इनटू द सेल टू बी यूज फॉर एनर्जी. अब फूड चेंज हो जाता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. जो ग्लूकोज क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनर्जी, तो ये ग्लूकोज क्या आप कह सकते हो, ये कौन यूज़ करते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो दो केसेस अभी हमने डिस्कस करे कि जो पहला है कि जो बॉडी है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है इतनी इनफ, और या अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है या प्रेजेंट है तो वो ईजली उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाता है. तो क्या होता है कि जो ग्लूकोस है वो आपके ब्लड में रह जाता है और वो सेल पे नहीं पहुंच सकता है. तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज. नाउ डायबिटीज़ एफेक्ट जस्ट अबाउट एवरी वन फ्रॉम ओवर 110 million Americans with or at the risk of for the diabetes to many people who care for them. So, अगर हम एक estimate देखें
तो अबाउट 110 मिलियन पीपल्स ऑफ अमेरिका आर सफरिंग और आर एट द रिस्क ऑफ दिस डिजीजेस. विच डिजीज? डायबिटीज. देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज? अब हमारी डायबिटीज डिफरेंट टाइप्स की हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डायबिटीज, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज वन, टाइप वन. डायबिटीज टू मीन्स टाइप टू. एंड गेस्टेस्टाइनल डायबिटीज, दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ डायबिटीज. सो लेट्स टॉक ईच इन डिटेल. इफ आई टॉक अबाउट द डायबिटीज वन, means type 1 diabetes, then if you have type 1 diabetes, your body does not make insulin. अगर आपके पास diabetes 1 आपको diagnosed हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी body है वो insulin produce नहीं कर पा रही है. means कि जो आपका immune system है, means your immune system attack and destroys the cell in your pancreas that make insulin. मीन्स जो आपका इंसुलिन सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी के लिए, हम सबकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या हो रहा है, उस पर अटैक हो रहा है. और वो क्या कर रहा है, जो आपकी सेल्स प्रेजेंट हैं तो जो पैनक्रियाज में, उनको वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है. और अगर जो पैनक्रियाज में सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली दे कांट मेक इंसुलिन, राइट. Then type 1 diabetes is usually diagnosed in children and young adults, although it can appear at any age. People with type 1 diabetes needs to take insulin every day to stay alive. तो basically जो type 1 diabetes होती है, ये children's या young age adult में diagnose होती है. But apart from children's and adult, ये किसी भी age में diagnosed हो सकती है. और जो type 1 जिनको डायग्नोज होता है, तो पीपल विद टाइप 1, इनके लिए एक है कि अगर टू स्टे अलाइव दे शुड ऑलवेज यू नो यूज़ इंसुलिन. इनको हमेशा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैं 2017 की बात करूं, तो देयर आर यू नो 9 मिलियन पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन हाई इनकम कंट्रीज. मींस अगर मैं 2017 की बात की, तो इसमें 9 मिलियंस को यू नो डायबिटीज़ डायग्नोस्ड हुई थी. विच टाइप ऑफ डायबिटीज़? टाइप 1 डायबिटीज़. और ये उन कंट्रीज़ की में रहते थे जो हाई इनकम, मतलब जो बहुत ही एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर. अब लेट्स सी अब टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज, इफ यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, योर बॉडी डज नॉट मेक और यूज इंसुलिन वेल. यू कैन डेवलप टाइप 2 डायबिटीज एट एनी एज, इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. हाउएवर, दिस टाइप ऑफ डायबिटीज अकर मोस्ट ऑफन इन मिडिल एज एंड ओल्डर पीपल. टाइप 2 डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज. तो जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज है, तो इसमें क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो इनफ इंसुलिन नहीं यू नो बना पाती है. दे कैन नॉट यूज़, और यू कैन से दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ इंसुलिन वेल. जो आपकी बॉडी में इंसुलिन है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती है. ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है या किसी भी एज में हो सकती है. और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है. जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है. इसमें क्या है कि मोर देन 95% ऑफ पीपल विद मतलब कि अगर इनका एस्टिमेट देखें, तो 95% ऑफ पीपल जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, उनकी बॉडी इफेक्टिव नहीं होती है टू यूज़ इंसुलिन, जिसके वजह से उनकी जो मतलब कि बॉडी वेट पे असर पड़ता है, वो फिजिकल इनएक्टिव होते हैं, राइट. सो नाउ लेट्स सी गेस्टेशनल डायबिटीज. सो गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप इन सम वुमेन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ डायबिटीज गोज अवे आफ्टर द बेबी इज बॉर्न. However, if you had gestational diabetes, you have a great chance of developing type 2 diabetes later in life.
sometimes diabetes diagnosed during pregnancy is actually type 2 diabetes. तो gestational diabetes की अगर हम देखें तो जो ये mostly develop होती है उन women's में जो pregnant होते हैं. As soon as the baby is born, ये diabetes चली जाती है. But mostly देखा गया है कि जिन women's को pregnancy के time diabetes diagnosed हुई है, actually वो diabetes type 2 diagnosed होती है. सेकेंड, उनको उनकी लेटर लाइफ में देयर आर चांसेस कि उनको वापस से डायबिटीज़ हो सकती है. और किस टाइप की डायबिटीज़ हो सकती है? टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डायग्नोस्ड डायबिटीज़ एज सून एज पॉसिबल. कि आप उसमें अगर आपको कोई सिम्टम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट कर लो और कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन ले सकते हैं. सो जो हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है वो जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट उससे कम होती है जिन पर्सन को डायबिटीज़ हो चुकी होती है. और ये मोस्टली कब अकर होता है? प्रेगनेंसी में. अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी में ये डायबिटीज़ है, दिस गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें देयर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. और लेटर ऑन उनको ये जो रिस्क है ऑफ दिस डायबिटीज़ का, दिस एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ के, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ लेट सी द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज़ सिम्टम्स अकर बाय राइजिंग ब्लड शुगर. तो जनरल सिम्टम्स क्या हैं इनके? द फर्स्ट सिम्टम इज़ इंक्रीज्ड हंगर, सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड थर्स्ट, थर्ड इज़ वेट लॉस, फोर्थ इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फिफ्थ इज़ बरी विजन, एंड द लास्ट इज़ एक्सट्रीम फैटीग. सो दीज आर सम जनरल सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़. अब हम टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखेंगे. इसमें भी सेम है, इंक्रीज्ड हंगर, इंक्रीज थ्रस्ट, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बरी विजन एंड एक्सट्रीम फैटीग. तो अगर किसी को टाइप 1 है तो इसमें क्या है, एक्सेसिव यू नो यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट आपको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, इसमें आपको कांस्टेंट मतलब आपकी हंगर बढ़ जाती है. सो वेट लॉस होने लगता है, विजन चेंज हो जाता है. द मोस्ट कॉमन इज़ एक्सट्रीम फैटीग, आपको थकान थकान सी लगती है. तो दीज आर दी सम जनरल सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़. Now moving to type 2 diabetes. So symptoms of type 2 diabetes can include increased hunger, increased thirst, increased urination, blurry vision, tiredness, sores at the slow to heal. So जो type 2 है उसमें भी सेम है कि आपको अगर type 2 diagnosed हुई है तो there are chances कि आपको increased hunger होगी, इंक्रीज थ्रस्ट है, एंड यू हैव इंक्रीज्ड यूरिनेशन की प्रॉब्लम. देन कम्स द वेट लॉस, सॉरी बरी विजन, टायर्डनेस, थकान सी. सो जो ये आपकी टायर्डनेस है या बरी विजन है, इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. देन कम्स द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़. So gestational diabetes occurs as a result of hormonal change during pregnancy. The placenta produces hormone that make pregnant person cells less sensitive to effect of insulin. It can cause high blood sugar during pregnancy. People who are overweight when they are pregnant or who gain too much weight during pregnancy are likely to get gestational diabetes. So gestational diabetes एक you know it is occurs as a result of hormonal change. जब आप
प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जब व्हेन अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं. सो जो आपकी जो प्लेसेंटा है जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही लेस सेंसिटिव हो जाते हैं टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. सो उस केसेस में क्या होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड शुगर. ये मोस्टली उनमें देखा जाता है कि जो वुमेन की ओवरवेट है या उन्हीं ने प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारा वेट गेन कर लिया, तो देयर आर चांसेस कि उनको ईजली गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इफेक्ट करती है. नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स ट्रीट डायबिटीज़ विद डिफरेंट फ्यू डिफरेंट मेडिकेशंस. सम आर टेकन बाय माउथ while other are available as injections. तो या तो आप mouth से oral medicine लेते हो diabetes की, या अगर आपकी diabetes थोड़ी सी ज़्यादा है या range से मतलब थोड़ी ज़्यादा है, तो there are certain injections that are available that doctors are used for the medication. So if I talk about type 1 diabetes, then insulin is the main treatment of type 1 diabetes. It replaces hormone on your body isn't able to produce. The first treatment says rapid acting insulin. It start to work within 15 minutes and it affects for 2 or 4 hours. Then short acting insulin. It start to work within 30 minutes and lasts for 3 to 6 hours. Intermediate acting insulin starts to work within 2 to 4 hours and lasts for 12 to 18 hours. Then long acting insulin, it starts to work 2 hours after injection and lasts up to 24 hours. Ultra long acting insulin starts to work 6 hours after injection and lasts 36 hours or more. Premixed insulin start working within 5 to 60 minutes and last for 10 to 16 hours. So, अगर मैं टाइप 1 की बात करूँ, तो जो आपका इंसुलिन है इसमें मेन ट्रीटमेंट की तरह एक्ट करता है. ये क्या करता है इंसुलिन, ये रिप्लेस कर देता है जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन है, और जो हॉर्मोन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, अगर वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो इंसुलिन क्या करता है, उस हॉर्मोन को रिप्लेस करता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन. जैसे हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात करते हैं तो ये 15 मिनट के विदिन ही अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, और ये 2 से 4 घंटे के लिए हमारी बॉडी के लिए में इफेक्टिव रहता है. अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात करूं तो ये 30 मिनट्स में अपना वर्क दिखाता है, बट जो बॉडी में इसका जो असर है वो 3 to 6 आवर्स तक ही रहता है. जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है आपका प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जो 5 to 60 मिनट्स के लिए में स्टार्ट वर्किंग, और ये 10 से 16 घंटे तक की आपकी बॉडी में इफ़ेक्टिव रहता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप. जैसे आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ये भी 2 to 4 आवर्स तक ही रहता है, इस पर इसका जो असर है वो 12 से 18 घंटे तक ही रहता है. तो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंसुलिन जो कि हेल्प करता है टू ट्रीट डायबिटीज़. नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़. So diet and exercise can help some people manage type 2 diabetes. If lifestyle changes isn't enough to lower your blood sugar, you need to take medication. So पहले अगर हम बात करें कि जो आपकी diet है और exercise है, ये भी एक play a major role in treating type 2 diabetes, right? अगर lifestyle से dieting से अगर आपकी body में तब भी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो उतना इनफ नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपको कुछ मेडिकेशन डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखें टाइप 2 की तो कैसे है ट्रीटिंग टाइप 2 डायबिटीज़. इफ़ आई टॉक अबाउट इट इंक्लूड 5 स्टेप्स. नंबर 1 स्टेप सेज जो डायबिटीज़ एजुकेशन मॉनिटर
ब्लड ग्लूकोज मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो पहला स्टेप यही है कि आप डायबिटीज़ क्यों होती है, व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स। तो डायबिटीज़ के कुछ प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशंस हैं, उसको देखिए। आप अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, देन स्टेप टू ऐड मेडिसिन। तो मेटफॉर्मिन है और ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइजिंग मेडिसिन हैं, उनको हम अपने पेशेंट को देते हैं। देन स्टेप थ्री, ऐड सेकेंड मेडिसिन इंसुलिन और अदर नॉन इंसुलिन मेडिसिन। तो या तो आप इंसुलिन इंक्लूड करो या जो आपकी नॉन इंसुलिन मेडिसिन है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐड थर्ड मेडिसिन दैट इज इंसुलिन और अनदर नॉन इंसुलिन मेडिसिन एंड द लास्ट वन इज इंसुलिन विद और विदाउट सेलेक्टेड अदर इंसुलिन। तो दीज आर सर्टेन स्टेप्स दैट आर टेकन टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़। Then comes the gestational diabetes. So if you receive a diagnosis of gestational diabetes, you will need to monitor your blood sugar level several times per day during pregnancy. तो अगर आपको gestational है तो आपको blood sugar level को several times during pregnancy monitor करना पड़ेगा। If it's high, dietary changes and exercise may be enough to bring it down. आपने देखा कि अगर आपका blood sugar level high है तो आप diet से या exercise से अपने level को कम कर सकते हो, blood sugar के level को। Then come, research has found that about 15-30% trusted source of women who has developed gestational diabetes will need insulin to lower their blood sugar. Insulin is safe for the developing babies. तो रिसर्च ने देखा है कि देर आर 15-30% वुमेन जिनको gestational diabetes diagnosed हुई है, तो उस केसेस में एक्सरसाइज और डाइट ने उतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले किया। तो उस केस में जो इंसुलिन उनकी बॉडी में दिया गया टू लोअर देयर ब्लड शुगर, और जो इंसुलिन होता है इट इज़ वेरी सेफ फॉर दी डेवलपिंग बेबी, मतलब इंसुलिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है डेवलपिंग बेबी के ऊपर। देन कम्स डायबिटीज़ एंड एक्सरसाइज। सो अलोंग विद डाइट एंड ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज मैनेजमेंट। दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उसमें वन थिंग इज़ वेरी कॉमन, मीन्स एक्सरसाइज एंड डाइट। जो डाइट है या एक्सरसाइज है ये भी एक एसेंशियल रोल प्ले करती है टू ट्रीट डायबिटीज़। स्टेइंग एक्टिव हेल्प्स योर सेल्स टू रिएक्ट टू द इंसुलिन मोर इफेक्टिवली एंड लोअर्स योर ब्लड शुगर। Exercising regularly can also helps to reach and maintain healthy weight, reduce your risk of diabetes related health complication, boost mood, get better sleep, improve memory. So अगर हम बात करते हैं exercise की, तो किस तरीके से help करती है exercise और diet? तो जो आपकी exercise है, so इसमें क्या करता है, ये आपका healthy weight maintain करता है, आपका जो डायबिटीज़ रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है इसको कम कर देता है, आपके मूड को यू नो बूस्ट करता है। एक्सरसाइज करेंगे तो बाय द एक्सरसाइज यू गेट बेटर स्लीप, दे आल्सो हेल्प एंड इम्प्रूव योर मेमोरी। सो डाइट्स एंड एक्सरसाइज आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग डायबिटीज़ और यू कैन से मैनेजिंग डायबिटीज़, बट इन सम केसेस यू नीड मेडिकेशन आल्सो। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, आप डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट प्रिवेंटेबल बिकॉज इट कॉज्ड बाय एन इशू विद इम्यून सिस्टम। Some cause of type 2 diabetes such as your genes or age aren't under your control either. You may yet many other diabetes risk factors are manageable. If you received a diagnosis of diabetes, pre-diabetes, here are a few things you can do
टू डिले और प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर मैं टाइप 1 की डायबिटीज़ की बात करूँ तो एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। क्यों? क्योंकि इसका जो इशू है या इसका जो मेन कॉज है वो आपके इम्यून सिस्टम से है। मीन्स आपका इम्यून सिस्टम इज़ नॉट दैट मच यू नो हेल्पिंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन, या अगर इंसुलिन बन भी रहा है तो उसको ईजिली वो यूज़ नहीं हो पा रहा है बॉडी में। टाइप 2 डायबिटीज़ में डिपेंड करता है आपकी जीन्स और एज, जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, बट देर आर सम सर्टेन फैक्टर्स दैट आर मैनेजेबल। अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है, मीन्स अगर आप प्री डायबिटिक हो, तो उस केस में आप प्रिवेंट कर सकते हो या डिले कर सकते हो टाइप 2 डायबिटीज़ को। कैसे? गेट एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग और साइकिलिंग। तो आप एक्सरसाइज करके, मेनली जो आपके एरोबिक एक्सरसाइज है जैसे वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गया, इससे आप अपनी यू नो डे टू डे लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करो, इंक्लूड करो, और उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो फर्दर टाइप 2 डायबिटीज़। देन कट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट अलॉन्ग विद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आउट ऑफ योर डाइट। तो यू शुड ऑलवेज कट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट को आप यू नो कट करो अलॉन्ग विद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। आप अपनी जो आपकी जो आपकी डाइट है उससे आप सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को यू नो लिमिट कर दो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कर दो, तो उस केसेस में भी यू कैन प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। देन कम्स ईट मोर फ्रूट्स शुगर एंड होल ग्रेन्स। लास्ट है कि यू शुड ऑलवेज यू नो इंक्लूड मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स इन योर डाइट। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स और यू कैन से स्टेप दैट कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। सो ये तो बात हो गई हमारे प्रिवेंशन की, कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो टाइप 2 डायबिटीज़ को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। अब WHO का क्या रिस्पॉन्स है, लेट्स डिस्कस दिस। सो WHO मतलब स्टिमुलेट करता है एंड सपोर्ट करता है of taking the adoption of effective measures under the surveillance to prevent and control diabetes and its complication. तो WHO अपने एंड से क्या क्या चीज़ें करता है, तो ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक गाइडलाइंस को फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्लूडिंग डायबिटीज। दे ऑल्सो डेवलप्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर डायबिटीज डायग्नोसिस एंड केयर। दे बिल्ड अवेयरनेस ऑन ग्लोबल epidemic of diabetes, making World Diabetes Day. अब this is very important कि जो आपका जो World Diabetes Day है वो 14th November को होता है। Then they also conduct surveillance of diabetes and its risk factor. So अगर ये question आ जाए कि World Diabetes Day कब celebrate किया जाता है, तो it is celebrated on 14th of November. So these are certain guidelines that are you know set by WHO. So I hope you have understood the lecture. Please student, don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also call on our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.